1960s में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेटर ग्रो कर रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इंडिया से पीछे रह गए? 1960s में पाकिस्तान का गोल्डन टाइम था, यह अयूब खान का दौर था और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा स्टेबल थी। 1960s में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी फाउंड की, ऑटोमोबाइल और सीमेंट इंडस्ट्री लगी। गवर्नमेंट ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और राइस और वीट के बेटर सीड्स में इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से ज्यादा हुई। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो हुई और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे की सबसे बड़ी वजह वेस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की लोकेशन थी। उस वक्त बांग्लादेश हमसे अलग नहीं हुआ था। फिर पाकिस्तान का डार्क टाइम स्टार्ट हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान के अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में कैंपेन चलाई, जिसकी वजह से अयूब खान पावर से चले गए और अयूब खान को रिप्लेस किया याहिया खान ने। याहिया खान भी वेस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन हार गए और याहिया खान ने वेस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री फोर्सेज को भेजा और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों पर काफी जुल्म हुआ, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोग इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने लगे और इस तरह इंडिया इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में वार हुई और वेस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इस वार में पाकिस्तान का $10 बिलियन का लॉस हुआ, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पीछे चलेगी और एक्सपोर्ट्स में भी कमी हुई, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश हमसे अलग हो चुका था। याहिया खान के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर ज़ियाउल हक, फिर परवेज मुशर्रफ, इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज होती रही और आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल ना हो सकी। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद ना होने की वजह से आज के टाइम में जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने हैं।